वेलकम बैक फ्रेंड्स। हमें एक शू का बिज़नेस स्टार्ट करना है और जैसा कि आप सब जानते हैं, एक बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है मनी। अब बिज़नेस के पास टू ऑप्शंस हैं, या तो वो कुछ पैसा उधार ले ले ओनर से, मालिक से, या वो कुछ पैसा उधार ले सकता है बाहर वालों से, आउटसाइडर से। ओनर ने, लेट्स टेक एन एग्जांपल, ओनर से बिजनेस ने 5 लाख रुपीस उधार लिए एंड आउटसाइडर से 3 लाख रुपीस उधार लिए। टोटल बिजनेस के पास आ गया 8 लाख रुपीस। अब अकाउंट्स के अंदर, हम अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर ओनर को प्रोप्राइटर बोलते हैं। ओनर ने जो 5 लाख रुपीस लगाए हैं बिजनेस में, इस 5 लाख रुपीस को बोला जाता है कैपिटल। कैपिटल मींस एनी अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इनटू द बिजनेस और टू स्टार्ट द बिजनेस, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। और जो 3 लाख रुपीस हमने आउटसाइडर से उधार लिया है, इस उधार को हम अकाउंट्स में बोलते हैं लायबिलिटीज। लायबिलिटीज मींस विच अमाउंट नीड टू बी पे इन फ्यूचर, दिस इज फ्यूचर ऑब्लिगेशंस।